तो सर अभी अपने पास में ये भी घोड़ी है ना? हाँ जी सर। और ये संपूर्ण की मदर है, जो शकीरा है। ओके जी, क्या नाम बताया सर? शकीरा। शकीरा जी, वो एक गाना भी तो था, शकीरा शकीरा। जी, बाकी इसके दो पैर सफेद और माथे पे माथे पट्टा जी, ब्लेज है पूरा। बाकी इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है घोड़े जैसा। हाँ जी, ये इसकी मैं ब्लड लाइन के बारे में बताता हूँ। ये प्रभात की डायरेक्ट डॉटर है। प्रभात की? हाँ जी। और इसकी जो मदर है विनाक्षी करके घोड़ी है, सुखवीर सिंह बादल जी के घर पे, जो हमारे एक्स डिप्टी सीएम है। ओके। जो विनाक्षी है वो रंगजड़ाऊ की डायरेक्ट डॉटर है। ओके। वो सुहाय सिंह जी के घर से आई थी, तो इसकी लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा अच्छी है। ओके। अभी एक बच्ची तो ये है मेरे पास संपूर्ण, और एक इसका बेटा जो मेरा दोस्त लेके जा रखा है थोड़े दिन के लिए, राजदेव। तो वो घोड़े को मैं राजदेव को अगले साल शो करूंगा। अच्छा, तो रिंग में? हाँ, रिंग में उतारेंगे इसको, और भगवान की अगर कृपा रही तो कुछ अच्छा करने की उम्मीद है मेरे को उससे, बाकी रिंग में जाके पता चलता है। तो सर मेरे को लगता है इसकी जो बेटी है वो इससे ज़्यादा हाइट में चली गई है। ऑलमोस्ट सेम ही कह सकते हैं, ऊपर नहीं गई बट चले जाएगी 101% इससे ऊपर। हाँ, अभी मेरे लगता है इसके बराबर तो है, बराबर की है वो। हाँ जी, है ना जी, ये थोड़ी सी आधा इंच उससे ज़्यादा होगी भाई। इसकी हाइट जो है 66 से कम है, 65.5 से ऊपर है। ओके। तो मैं 65.5 ही बोलता हूँ नॉर्मली। एक इंच कम बोलते तो उसमें कुछ नहीं दिक्कत है? हाँ, मतलब आके खुद बोले कि हाँ यार ये वाकई में अच्छी है, क्योंकि आजकल क्या मार्केट में हाइट भी दो तरीके की चल रही है। सही बात, दो तरीके की चल रही है। फेसबुक पे लिखने में और कुछ आती है, वीडियो में और कुछ बताते हैं, और कभी कभार तो खुद ही भूल जाते हैं कि भाई फेसबुक पे क्या लिखी और उधर क्या लिखी। सही बात है जी। तो हाइट क्या ऐसी बतानी चाहिए जो आदमी को क्या याद रहे, याद रहे, या फिर झूठ बोलो तो सब जगह सेम झूठ बोलो, सही, कोई दिक्कत ही नहीं आए। सही बात है जी। तो सर इसको कितना टाइम हो गया अपने पास आए हुए? ये पिछले साल मैंने खरीदी थी जी लॉकडाउन में, लॉकडाउन में 28 मार्च के आसपास मेरे पास आई थी जी। ओके। अभी भी सर प्रेग्नेंट है किसी घोड़े से? हाँ जी, अभी ये मेरे घोड़े जी, एक्चुअली पहले मैंने 3 दफा अति सुंदर के साथ ब्रीड किया था इसको, बट मेरा लग काम नहीं करा तो कंसीव नहीं कर पाई जी। ओके। तो अभी मेरा घोड़ा जो कल्याण है, शानदार का बेटा, उसके साथ प्रेग्नेंट है जी। तो सर अति सुंदर की कोई निशानी अपने पास रखी है? नहीं रखी। नहीं जी, मेरा लक ही नहीं उस घोड़े के साथ प्रॉपर चला। मैंने 5-6 अपनी घोड़ियों पे उसको डाला, लेकिन मेरे पास कंसीव नहीं हुई। मेरे दोस्त ने 2-3 उनके पास, उनके फार्म पे 2-3 घोड़ियां पास हो गई, वो कंसीव खड़ी है। कोई कोई होता है कि भाई किसी के अब है उसकी वजह से आपके फार्म पे नहीं जाए, इस वजह से प्रोड्यूसर बहुत अच्छा। अपन घोड़े के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। मैं वही बात बोलने लगा था कि ये घोड़े में कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा लक नहीं चला, क्योंकि ऑलरेडी उसके बच्चे मार्केट में है, तो वो अच्छा प्रोड्यूसर भी है और एक से एक शानदार बच्चे हैं मार्केट। हाँ जी हाँ, अगर प्रोड्यूसर नहीं होता तो वो बच्चे भी कहाँ से आए होते। ऑब्वियसली है जी, और सब उससे, मेरे को लगता है सब उससे ज्यादा हाइट में। सही बात है जी, कोई शक नहीं, उसके बराबर हाइट का तो कोई था नहीं मेरे को लगता मार्केट में, सब उससे ज्यादा ही, उससे ज्यादा ही होंगे। हाँ जी, सारे बढ़िया घोड़ा है वो, है ना, बहुत अच्छा। बल्कि महाराष्ट्र में है तो वहाँ के लोगों को मैक्सिमम यूज करना चाहिए वो घोड़ा। बाकी के बस आपके पंजाब में ये है कि बस घोड़ा होना चाहिए हाथी के बराबर। यहाँ पे तो क्या है कि पंजाब में हाइट 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 हाइट, एक तरीके से बोला जाए तो मेरे को लगता है भेड़ चाल है। अभी क्या है जी, मेरे पास फोन आता है किसी का मीटिंग के लिए, तो बंदे का पहला, उसका ये नहीं होता कि ब्लड लाइन कौन सी है, उसका क्वेश्चन होता है कि सर इसकी हाइट क्या है। अच्छा। तो मैं मतलब कि बोल बोल के थक गया, अभी तो मैंने रिप्लाई करना बंद कर दिया हाइट वालों को, कि भाई आ जाओ देख लो, मतलब कि 65 का है कि 55 का है, आके देख लो, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है सारे। और अच्छा, उनकी खुद की जो घोड़ी होगी जब मेटिंग के लिए आएगी तो कई बार तो ऐसा दिल करता है कि दरवाजे से वापस कर दें, पर फिर इंसानियत के नाते फिर होता है कि बंदे का दिल टूटेगा कि मेरी घोड़ी मेटिंग नहीं करवाई, और फिर 10 जगह जाके और बोलेगा। हाँ, तो अपनी चीज को वो देखते नहीं, घोड़े के लिए बहुत इंक्वायरी करेंगे। बट मेरे लिए हाइट कोई ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि जो मारवाड़ी है एक्चुअल में वो हाइट के लिए फेमस नहीं है वर्ल्ड में। बिल्कुल। वो अपनी ब्यूटी, जो उनकी एक इनके कान हो गए और इनकी नेक हो गई, उस चीज के लिए ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस है। और अभी क्या है, ये जो हाइट के चक्करों में वो चीज थोड़ी दूर जा रही है। बिल्कुल, है ना, बट मेरे ख्याल में वो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी अगर मैं अपने फार्म पे बात करूं तो मेरे पास एक बड़ा घोड़ा भी है 67 का, और एक घोड़ा उससे थोड़ी कम हाइट का भी है। बिल्कुल। तो मैंने तो दोनों ही अपनी ऑप्शनें रखी हैं कि अपनी उसकी बेटी उस पे, उसकी बेटी उस पे, ऐसे चलता रहेगा काम।
और भाई ज्यादा हाइट के हाइट का ज्यादा ही लफड़ा चाहिए जी, तो फिर बताओ बोले सामने वाले को, बोले भाई जूते बनवा के रखूं फिर मैं, हाँ, तो कितने इंच बनाना है, उस हिसाब से वो जूते पे हाइट चलो कंपलसरी होने चाहिए, बट हाइट के साथ साथ ब्यूटी ज्यादा होनी चाहिए घोड़े में। अगर ब्यूटी और हाइट दोनों चीजें मिल जाए वो सोने पे सुहागा है। वो तो है ही है जी। पर ये सर ये चीज सारे घोड़ों में नहीं है ना जी। जी अगर अपन बोले कि भाई सारे घोड़ों में आज के टाइम में ब्यूटी भी आ रही है और हाइट भी आ रही है, वो सारे घोड़ों में नहीं है। नहीं फिर तो आजकल लोग क्या ब्यूटी तो देख ही नहीं रहे, भूल गए। नहीं जी ब्यूटी तो सारे भूल गए, हाइट के पीछे भाग रहे हैं बस हाइट की। तो मेरे को ऐसा लगता है हाइट के लिए एक ऊंट ले ले और क्या है, है ना, उसकी सवारी कर ले तो वो सस्ता पड़ेगा ऊंट। सही बात, हाइट के चक्कर में करोड़ों रुपए गला देते हैं उसका भी क्या मतलब है। सही बात है जी, सही बात है। तो सर आपको क्या लगता है कि जो घोड़ा मार्केट में जो नए लोग एंटर कर रहे हैं, जैसे आप भी आपने भी एंटर करा तो आपको भी कुछ प्रॉब्लम आई होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि प्रॉब्लम आई थी जी, आई थी। तो जो नए लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे कि वो किन चीजों का विशेष ध्यान रखें जो आपको लगता है आपके साथ? नए लोगों को पहले तो घोड़े के बारे में सबसे जो पहला स्टेप है मेरे ख्याल में घोड़े के रख रखाव का पता करना चाहिए कि कैसे रखना है, क्योंकि कई बंदे नए शौक में घोड़ा ले लेते हैं पर उनको प्रॉपर केयर नहीं करना आती। बिल्कुल, कि क्या डाइट देनी है, कौन से वेदर में कैसे रखना है, पहले तो वो सीखें। और उसके बाद क्वांटिटी पे मत जाएं, क्वालिटी पे जाएं। 10 ना खरीदें, एक खरीद लें। बिल्कुल, अच्छे ब्रीडर से खरीदें और वेल नोन, जो जिसकी ब्लड लाइन कन्फर्म हो, क्योंकि घोड़ों में क्या है आपको भी पता होगा कि मैक्सिमम जो ब्लड लाइन है वो बनती है, वो तो जैसे आपके गेट से बाहर निकलते ही बन जाती है। हाँ, तो मतलब जो कन्फर्म ब्लड लाइन हो ना, वो बच्चा लें या घोड़ी लें या घोड़ा, जो उनका मन करता है, ब्लड लाइन लें और क्वांटिटी पे ना खेलें, क्वालिटी पे खेलें। तो कामयाबी इस फील्ड में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लिंक बनते हैं, अच्छे दोस्त आप जैसे भाई घर पे आते हैं। बिल्कुल, तो बढ़िया है सिस्टम ओवरऑल में। ये घोड़े नहीं, मैं इनको गलत नहीं बोलूंगा, कुछ बंदे हैं जिन्होंने ये इस फील्ड को थोड़ा सा गलत बना दिया है, तो थोड़ा बच के चलें बस। यानी कि घोड़ों की कोई गलती नहीं है, बस खाली जो गलत है तो वो बंदे हैं। जानवर कैसे गलत हो जाएगा कभी? जानवर तो बेचारा, वो तो बोल ही नहीं सकता। ये मैं लेके आया, इसको थोड़ा ना पता है कि मैंने जो 5 रुपए की खरीदी है या 5 करोड़ की खरीदी है, ये तो वहां से जहां आ गई तो अभी मेरे घर पे है। इसकी मतलब कोई कीमत नहीं है, कहने के मतलब के पैसे से कोई घोड़ा नहीं खरीद सकता। ये उसी बंदे को घोड़े या घोड़ी की प्राप्ति होती है जिसकी किस्मत अच्छी होती है। बिल्कुल, ये उन्हीं के घर पे आके खड़े होके खाना पानी। मेरे को बहुत बंदे बोलते हैं कि यार फलाना घोड़ा वो कितने का खरीदा, तो मैं उनको साफ बोलता हूँ कि यार मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं घोड़ा खरीद लूं, तो मेरी भगवान ने सेवा लगा रखी हम कर रहे हैं। हाँ, कोई ये भी नहीं है कि कोई चीज बिना पैसे के आती है, आती पैसों में है, बट पैसा भी भगवान ही लगवाता है जहाँ लगवाना हो। क्योंकि पैसे वाले हो सकता है मेरे से लाखों करोड़ों बंदे ज्यादा हों जिनके पास पैसा ज्यादा होगा, लेकिन उनको क्या है आज की डेट में ना तो पहचान मिल पाई है कोई। बिल्कुल, इस फील्ड में और ना कोई अच्छा एनिमल मिल पा रहा है। वो पैसे मेरे से ज्यादा लगा रहे हैं, वो पैसे कैसे लगा रहे हैं जी, किसी बंदे ने बोल दिया कि यार वो फलानी जगह घोड़ा खड़ा है, वो एक्साइटेड होके ना वहां पहुंच जाते हैं और बैग भर के ले जाते हैं। तो वो बड़े, उनको एक और गलत फहमी होती है कि जितने बड़े ठिकाने हैं तो वहीं से घोड़ा अच्छा मिलेगा। यानी बड़े ठिकानों पे, बड़े शोरूमों पे जाओगे वहीं माल है। हाँ, बट ऐसा नहीं है। आम जो मेरे जैसे आम बंदे हैं या कोई और जो गांव में एक दो घोड़ी भी रख रहा है कहीं भी, तो ब्लड लाइन की अगर उनके पास है तो वहां से भी कुछ अच्छा मिल सकता है। तो मतलब पहले घोड़ा खरीदने से पहले पूरा घूम के आए, पता करें कि इनका एक्चुअल में प्राइस होता क्या है ना। बिल्कुल, उसके बाद फिर अपना पैसा लगाना चाहिए बंदे को। एक चीज सर ये भी है ना कि आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है ना, पहले भी लॉकडाउन आया था जी, तो लॉकडाउन में बंदा इतना एक्साइट हो जाता है कि वीडियो देखते ही रात के 2 बजे तो हमको फोन कर देता है कि सर घोड़ा चाहिए। अब वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं से घोड़ा ले ही लेता है, जबकि उसको समझाते कि भाई जल्दीबाजी मत करना जी जी। फिर घोड़ा लेने के बाद में फिर जब उसको लगता है कि यार मैं तो ठग गया, फिर जाके हल्ला काटना शुरू करता है। सही बात है। तो उससे पहले ही मेरे को लगता है कि अगर वो 15-20 दिन जांच परख कर ले उसके बाद वो बढ़िया, ज्यादा बेस्ट बढ़िया रहता है। क्योंकि भाई घोड़े को लेके ऐसा तो है नहीं कि भाई कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो घोड़ा तेरे को ऑक्सीजन देगा। सही बात है। घोड़ा तो भाई 10 दिन बाद भी खरीद लेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सही बात है। तो इसलिए जो भी नए लोग हैं मैं बार बार और हर वीडियो में समझाता हूँ, तब भी मेरे पास में डेली 5-10 फोन तो आ ही जाते हैं कि सर हमारे साथ ये हो गया। तो दोस्तों उससे बचने का बस एक ही उपाय है कि आप खुद सतर्क हो जाओ। घोड़े वालों के ऊपर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। सही बात है। उसको तो भाई तुम खुद पैसे दे के आए, उसने तुम्हारे अकाउंट से तो पैसे निकाले नहीं है,
तो घोड़े वालों के ऊपर आरोप ना लगाएं और खुद सावधानी। पता क्या होता है, मान लो मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मेरे पास इसी घोड़ी की मैं फॉर सेल नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, कोई बंदा मेरे घर पे आ गया, जब मैंने बेचनी नहीं है, उस बंदे ने लेनी है, मैं लेके आऊँ जो 5 रुपए की, मेरे घर पे वो आ गया, मैं वो मेरे घर पे आया पहली बार चल के बंदा, मैं उसके घर पे घोड़ा लेके नहीं गया है ना, बिल्कुल, और मेरे घर पे मैंने मांगा उसका 50 करोड़ रुपए, बिल्कुल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मांग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो वो बंदे को अगर 50 करोड़ में समझ आया, उसने मेरे को उस वक्त डील कर ली, और बाद में क्या है कि काफी बंदे मेरे साथ हुआ है कि आ गए लाखों में डील हो गई, टोकन भी दे गए, कुछ दिनों के बाद एक आधे हफ्ते 10 दिन के बाद यहाँ वहां से उंगली होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो वो उनको फिर बहाने, भाई ये तो हमारे से पैसे नहीं बन रहे, आप घोड़ा वापस ले लो, उनके लिए वो छोटी चीज है घोड़ा वापस करना, और हमें कि घोड़ा वापस लेने में इतराज कोई नहीं है, बट जब घोड़ा कोई भी वापस आता है ना, तो मार्केट में अगर आप काम जाब हो रहे हो तो बहुत से बंदे बंदूक लिए बैठेंगे, कब गलती करे और इसको भाग दे, तो जब बंदा घोड़े को वापस लेता है तो पता सबको चल जाता है, बिल्कुल, वो बच्चा घोड़ा कुछ भी हो उसकी इतनी बदनामी हो जाती है, वो 1 करोड़ वाला 1 लाख में आ जाता है फिर। और फिर दूसरी चीज ये ना कि आपको पता है आपके घोड़े में कोई कमी नहीं है, सही बात, पर वो होगा क्या, आप किसी आदमी को बोलोगे यार उनके पैसे की वजह से प्रॉब्लम हुई है, तो वो दूसरा आदमी उसमें एक बात अपनी ऐड करेगा, बस फिर वो आगे भेजेगा, तो वो क्या है कि एक निबंध लिख जाता है, क्योंकि जो नए बंदे होते ना वो मैक्सिमम बंदे कानों के कच्चे होते हैं, वो आपने कुछ बोल दिया वो आपकी सुन लेंगे, मैंने कुछ बोल दिया मेरी सुन लेंगे, किसी और ने कुछ बोल दिया उनकी सुन लेंगे, वो करते अपने मन की है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि उनको उनका भी कोई कसूर नहीं होता, उनकी नॉलेज उतनी होती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली उनको, जैसे एक पंजाबी में कहावत है, मर्जा चिड़िए जीजा चिड़िए, चिड़िया कभी मर जाए कभी जीजा जब हमारा मन करे, तो वो बात ऐसे करते हैं बंदे। और नए लोग एक काम और करते हैं, जैसे कि मान के चलो आपसे भी पूछ लिया जी, तो ऐसे 25 लोगों से पूछ लेते हैं जी, तो 25 आदमी उसको इतना कंफ्यूज कर देते हैं और उसको लास्ट में ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या रहा है, यानी एक तरीके से मानो तो वो बेहोशी की हालत में घोड़ा ले लेता है, सही बात, फिर जब होश में आता है, जब अकाउंट में देखता है यार मेरे साथ तो, तब वो प्रॉपर होश में आता है कि भाई मैं अब होश में नहीं, होश में तो पहले भी रहते हैं वो, क्योंकि जब ना कोई बंदा घर से निकलता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने गाड़ी लेनी है, मैं घर से तो निकला हूँ एक मान लो नैनो गाड़ी खरीदने, और मैं चला जाऊँ BMW ऑडी या मर्सिडीज के शोरूम में, तो वहाँ नैनो नहीं ना मिलेगी तो वहाँ पे तो आपको वही पे करना पड़ेगा, बिल्कुल उन्हीं का प्राइस वो, और ये भी नहीं कि बंदे का उनके पास पैसे नैनो के हैं और वो शोरूम वाले उसको नैनो के प्राइस में मर्सिडीज दे देंगे, तो वो तो पे तो करना पड़ता है, बंदे को पूरा होश होता है उस वक्त भी कि हाँ मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ, और मेरे पास कितने मेरे पे अपने पे लगा लो, मेरे को पता है कि मैं अपने घर से कहीं जा रहा हूँ, मेरी जेब कितना अलाउ करती है, बिल्कुल 10 लाख करती है, 10 रुपए करती है, मैं तभी घर से बाहर जाऊंगा तभी डील करूंगा, जब बंदा चला गया उसके बाद डील भी कर ली, फिर जो आसपास की उंगलियां होती हैं तो उससे काम बिगड़ता है। और घोड़ा बाजार में उंगली करने वाले तो बहुत हैं, वो चाहते ही नहीं कि दूसरे का बिके, क्योंकि दूसरे का तो है टट्टू, सही और अपना है सबसे इंडिया का बेस्ट घोड़ा। अभी कोई घोड़ी लेके आया था, मैं घोड़ी का नाम भी नहीं बताऊंगा, बंदे का नाम नहीं, नहीं नहीं कुछ बताना ही नहीं अपन को, तो उसमें क्या हुआ, वो बंदा हम बैठे थे कहीं, वो जिस बंदे के घर से वो चीज गई थी घोड़ी, वो बंदा भी वही, मैंने उससे पूछा भी यार भाई ये तुम्हारे घर से गई थी ये लाइन इसकी कंफर्म है ना, बोला यार नहीं वो पक्का नहीं है इसका, बल्कि जब तक तो उस बंदे के घर पे थी लाइन कंफर्म थी वो, अच्छा वहां से सेल होके कहीं और चल गई तो उसका पक्का नहीं पता और ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है घोड़े वाले, क्या देखो हर एक ने अपनी किस्मत खानी होती है, जो मेरे यहाँ लिखा हुआ है ना उसको ना आप मिटा सकते हो ना कोई और ना कोई डाल सकता है, बिल्कुल वो मेरे पास आना ही आना है, बस हाँ फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट कर लो, अपना खून साड़ लो, वो करते रहो, मेरे को मजा आता उन बातों में कि मेरे पे कोई लग रहा है कि लगने दो यार, क्योंकि मेरी सोचनी ये है कि बात भी उसकी होगी जिसकी जिसमें की बात होगी, वो तो है जो पहली बेचारा कोई ऐसी फिर रहा है उसके बारे में क्या बातें करेगा कोई। बिल्कुल सर, थैंक यू, वीडियो में आपने नए लोगों के लिए बहुत सही बात बताई जी, तो नए लोग इन बातों का विशेष रूप पर ध्यान रखें अगर चाहते हैं कि उनका पैसा बर्बाद ना हो और उनके पास में एक अच्छा घोड़ा या घोड़ी भी आए। थैंक यू सर।